तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मिस्टर सुहेल मैकेनिक। तो आज हमारे सामने पैसन एचटेक न्यू मॉडल अगर ब्रांडिंग पर दिखा दे तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड डेफाई लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो की एक ऐसी गलती जो कि हर किसी बाइक में होता है, जो कि कई बाइकों में हमने देख चुका है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये देखें, इसका जो स्पीडोमीटर होता है उसमें पानी चला जाता है। और ये कहाँ से जाता है, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। अगर इसको आपको बदलाना है तो कितना पेमेंट लगेगा, वो भी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बने रहें। चलिए सबसे पहले बताते हैं इसमें जो पानी गया वो गया कैसे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक मोड वाला बटन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम हल्का सा इसको हम उठाएँगे यहाँ पर देखें तो इसमें हल्की सी सांस है, जिसकी वजह से इसमें धुलते वक्त पानी चला गया। और अगर चाबी ऑन करते हैं तो इसमें सही से इसका मीटर वर्क भी नहीं करता। अगर पेट्रोल 1 लीटर है तो वो 4 पॉइंट बताता है, ये देखें। और मात्र बाइक चली हुई हमारी 1890 किलोमीटर, यहाँ पे देखें जूमिंग हो रहा है, मात्र बाइक 1890 किलोमीटर चली हुई, जो कि इतनी जल्दी प्रॉब्लम आ चुका है पैसन एचटेक में। तो गुजारिश है हीरो वालों से कि अपना जो सामान बनाए वो बेहतर बनाए, ताकि जो हमारे कस्टमर भाई लोग हैं उसे आसानी से खरीद सकें और खरीदने में परेशानी ना हो। 1 लाख रुपये की बाइक कस्टमर लेते हैं और उन्हें बुरा फील होता है। तो फिर मिलते हैं किसी ने स्टूडियो में, तब तक लाइक चलो पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले मिस्टर सुहेल मैकेनिक। करें तो इसका जो प्राइस है वो है 3300 रुपये। अगर आपको नया लगवाना है इसको तो 3300 रुपये असेंबल पे करना पड़ेंगे कस्टमर भाई को। तो इतना बुरा फील होता है कस्टमर भाई को अगर ये नया लगवाना है। यहाँ पे देखें LED टेक न्यू वर्जन है, LED लाइट वाला, ये देखें पैसन प्रो, पैसन एचटेक ब्रांडिंग पे भी दिखा देते हैं।